निरक्षरता का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षरों की पहचान ना होना। एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए हर लिखा गया काला अक्षर भैंस बराबर ही होता है। वो ना तो संख्या को पहचान पाता है ना शब्दों को, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी लिखना नहीं जानता है। वो पढ़ने लिखने की इस दुनिया से स्वयं को कटा सा महसूस करता है। इसी कारण वह ज्ञान भंडार से अपरिचित, अनजान तथा अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व का उचित विकास नहीं कर पाते हैं, साथ ही वे सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में भी उचित सहयोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए निरक्षरता को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अभिशाप कहा गया है। एक निरक्षर व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही हम सब आज आपके सामने इस नाटक के द्वारा दर्शाने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे नाटक एक चिट्ठी के पार्टिसिपेंट्स का। हेलो रघु के बापू, अरे ओ रघु के बापू, रघु के बापू, अरे ओ रघु के बापू, सूर्य नारायण सर पे आ चुका है, कब तक सोते रहोगे? अरे अब तो उठ जाओ रघु के बापू, अरे ओ रघु के बापू। अरे भाई गवार, तू उठा रही हो सुबह सुबह, सोने दो ना मुझे, सुबह की नींद पूरी करने दो मुझे। सोते रहो, मुझे बहुत सारे काम है, मैं चली। देखो एक डाकिया आया, थैला अपने साथ में लाया, पहनी है वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े, चिट्ठी में संदेशा है अपनों की, डाकिया तुम तक पहुंचाने आया। डाकिया आया डाकिया, रुको रुको, देता हूँ लो। राम राम दाओ, राम 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 राम, देता हूँ, ये लो बाकी, राम राम बाकी, ये लो। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। ताओ अब तक सोते, ताओ बताओ, ताओ उठ जा, ताओ उठ जा, बहुत देर हो गई है। क्या हुआ डाकिया बाबू, क्यों उठा रहे हो सुबह सुबह? ताऊ ये देख, तेरी चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ हाँ।
क्यों मजाक कर रहे हो ढाकिया बाबू? भला कोई मुझ अनपढ़ गवार अंगूठा छापो भला कौन ही चिट्ठी भेजेगा? आज तक मेरी कोई भी चिट्ठी नहीं आई है। अरे ऐसा मुझे नहीं पता, ये लो तुम्हारी चिट्ठी और बंद कर दे माली। ओहो तो वही बंसीला जिसको बुलाने पे उसने बीमारी का मार बना दिया था, आने दो उसे। राम राम मालिक। राम राम बंसीला, कैसे हो? सब नियर, वो तो दिख ही रहा है, सुना है तुम्हारा बेटा सेना में भर्ती हो गया है। हाँ लाला। बंसीलाल जी, आपके बेटे का पार्थिव शरीर वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया, देश को अपने सपूत पर गर्व है, ये उसका सवाल है। नहीं, 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 नही
अब हम किसके सारे जिएंगे? तू नहीं जा सकता बेटा, तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता बेटा रघु, लल्ला रघु तू नहीं जा सकता बेटा, तू मर नहीं सकता रघु। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए निरक्षरता एक अभिशाप है, जिसे जितना जल्द हो सके समाप्त करके हर व्यक्ति को साक्षर बना देना आवश्यक है। देश की आजादी के बाद साक्षरता की आवश्यकता और अधिक है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति प्रजातंत्र, गणतंत्र आदि का अर्थ भी नहीं समझ सकता। हमने इस नाटक में